स्वर्ग का चाचा। बहुत पहले की बात है, धरती पर 2 सालों तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। अपने तालाब को सूखता देखकर मेंढक को चिंता हुई। उसने सोचा अगर ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे स्वर्ग में जाकर वहां के राजा को बताया जाए। साहस कर मेंढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। राह में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मक्खियों का हाल भी अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वे भी मेंढक के साथ चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उसे दाने कहाँ से मिलते। उसे खाने को कीड़े भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अभी वे सब थोड़ा ही आगे गए थे कि एक खूंखार शेर मिल गया। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बातें सुन शेर भी उनके साथ हो लिया। कई दिनों तक चलने के बाद वे स्वर्ग में पहुंचे। मेंढक ने अपने सभी साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को कहा। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर देख आए कि राजा कहाँ है। मेंढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों में से होता हुआ वह राजा तक पहुंच ही गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों के साथ बातें कर रहा था। मेंढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाए और उनके बीच पहुंच गया। परियां एकदम चुप हो गईं। राजा को एक छोटे से मेंढक की करतूत देख गुस्सा आ गया। पागल जी, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया, राजा चिल्लाया। परंतु मेंढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूख से मरना था। जब मौत साफ दिखाई दे तो हर कोई निडर हो जाता है। राजा फिर चीखा। पहरेदार भागे आए ताकि मेंढक को पकड़कर महल से बाहर निकाल दे, मगर इधर उधर उछलता मेंढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेंढक ने मधुमक्खियों को आवाज दी। वे सब भी अंदर आ गईं। वे सब पहरेदारों के चेहरों पर डंक मारने लगी। उनसे बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान था। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया, पर मुर्गे ने शोर मचाया और पंख फड़फड़ाकर उसे भी भगा दिया। तब राजा ने अपने कुत्तों को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डर कर मेंढक की ओर देखा। मेंढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, वर्षा को भेज देता हूँ। जब वे सब साथी धरती पर वापस आए तो वर्षा भी उनके साथ थी। इसलिए वियतनाम में मेंढक को स्वर्ग का चाचा कहकर पुकारा जाता है। लोगों को जब मेंढक की आवाज सुनाई देती है वे कहते हैं, चाचा आ गया तो वर्षा भी आती होगी।